रही है क्राइम स्टोरी। दो फरवरी को एनआईए टीम ने लंडोरा क्षेत्र के बुकनपुर से एक हवाला कारोबार में संलिप्त युवक को गिरफ्तार किया था। वहीं दिल्ली कोर्ट में पेश करने के बाद एनआईए ने संदिग्ध युवक अब्दुल समद को 6 दिन की रिमांड पर लिया था। आज एनआईए की टीम समद को लेकर उसके घर बुकनपुर पहुंची, जहां उसके कुछ दस्तावेज बरामद किए हैं। भारी पुलिस फोर्स के बीच संदिग्ध युवक को लंडोरा चौकी में लाया गया और घंटों पूछताछ के बाद एनआईए टीम उसे अपने साथ दिल्ली ले गई। फिलहाल इस मामले में एनआईए का कोई भी अधिकारी कैमरे के सामने नहीं आया और संदिग्ध युवक समद के परिजन भी इस मामले में कुछ बोलने को तैयार नहीं है। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तराखंड के रुड़की से संवाददाता अली जैदी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।